हाय फ्रेंड्स, मैं पवननाथ योगी। आज ये फोर्स ट्रेवल्स का इंजन है हमारे पास, हम इसको ओवरहॉल कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं था कि पूरे इंजन की ओवरहॉलिंग दिखा दें, इसलिए मैं आपको इंजन टाइमिंग बताऊंगा इसकी। ये यहाँ पे इसकी कैम है, ये क्रैंक है। इसकी इन दोनों की टाइमिंग बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये देखिए, इसमें ये 27 mm का बोल्ट लगा हुआ है। 27 mm के बोल्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पे मेन पुली डलेगी। ये मेन पुली की चाबी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसके क्रैंक की टाइमिंग होगी। इस समय पिस्टन TDC पे है, टॉप डेड सेंटर पे। इसमें आपको थोड़ा बहुत सस्पेंस हो तो सस्पेंस दूर करने के लिए भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है वो। ये देखिए, ये एरो दिख रहा है आपको सीधा कहाँ पे, TDC पे, ठीक है। ये इसकी क्रैंक की होगी, आगे कैम से भी, उस क्रैंक से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी। अब कैम की टाइमिंग बताऊंगा मैं आपको। चेन वगैरह हमने पूरी लगा दिया है। ये इसका सपोर्टा, ये साइड में चेन के लिए एडजस्टर। कैम की टाइमिंग के लिए अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला अपन को कट का स्लॉट दिख रहा है आपको। ये कट का स्लॉट इसके बराबर रहना चाहिए। ये पुली के आगे एक वाशर आता है, उसमें कट का स्लॉट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कैम की टाइमिंग के लिए हम 4 नंबर वाल को भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये इधर से अप हो रहा है और इधर से डाउन हो रहा है। ये 4 नंबर वाल है और ज्यादा राजनीति कुछ नहीं है इसमें। ये राजनीति बस यहाँ पे, ये ध्यान यहाँ पे देना है अपन को, ठीक है भाई। और इसके पंप की टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको इसकी पंप की टाइमिंग बहुत सारी डिटेल में मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक तो दबाना ही है फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।